शरणम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमः परमहंसास्वादीत चरण कमल चिन्मकरंदाय भक्तजनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय। बागीशायस्य वदनिं लक्ष्मीर्जस्य च वक्षसि जस्यास्ति हृदये संवित् तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विराकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलस्तृतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमतिथिकीर्षतान्तमुन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरु मुनीनां। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं शुकमुखात् अमृतं द्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरुः रसिकाः भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्तां निरोधनीलय गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिना मन्तर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मनि। भूयो नमः सद्बुद्धिनाशिने सदा मसम्भवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः पारमहंस आश्रमे व्यवस्थितानामनुमृग्यदासुषे। नमो नमस्ते पृषभाय सात्वतं विदूरकास्थाय मुहुकुयोगिनं निरस्तसाम्यातिशयेन राधसं स्वधामनि ब्रह्मणिदंशते नमः। यत्कीर्तनं यत्स्मरणं यदीक्षणं यद्वन्दनं यत्श्रवणं यदर्पणं लोकस्य सद्यो विधुनोति कल्मषं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। विचक्षणाजच्चरणोपसादनात् सङ्गं युदस्यो भयतोऽन्तरत्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्मगतिं गतक्लमा तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। तपस्विनो दानपरा यशस्विनो मनस्विनो मन्त्रविदः सुमङ्गलाः क्षेमं न विन्दति विनाय दर्पणं तस्मै सुभद्रश्रवसे नमो नमः। किरातहूणाम्रपुलिन्दपुल्कषा आवीरकङ्कायवनः प्रसादयः ये नीचपापायदुपाश्रयाश्रयाः
शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। स एष आत्मात्मवतामधीश्वर स्त्रैमयो धर्ममयस्तपोमयः गतव्यलीकैरजशङ्करादिभिर्वितर्क्य लिङ्गो भगवान् प्रसीदताम्। श्रियः पतिर्यज्ञपतिः प्रजापतिर्धियान्पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गतिश्चान्धकवृष्णिसात्वताम् प्रसीदताम् मे भगवान् सताम् पतिः। यदङ्ग्रविध्यानसमाधिधौतयः धियानुपश्यन्ति हि तत्त्वमात्मनः वदन्ति चैतत् कवयो यथारुचम् श्यामे मुकुन्दो भगवान् प्रसीदताम्। प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्मतादस्य सतिं स्मृतिं हृदि स्वलक्षणा प्रादुरभूत् किलास्यत समीर्षीणाम् ऋषभः प्रसीदताम्। भूतेर्महद्भिर्जयिमः पुरो विभु निर्मायसे ते यदमृसुपूरुष भुङ्क्ते गुणाम् षोडशषोडशात्मकः सोलङ्कृशिष्ट भगवान् वतंसि मे। नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुर्ज्ञानमयम् सोम्यान्मुखाम् बुरुहा शवम्। एतदेवात्मभूराजम् नारदाय विपृच्छति वेदगर्भोऽभ्यधात् साक्षात् यदा हरिरात्मनः। हरिः शरणम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुःश्लोकी भागवतम्। श्री भगवानुवाच। ज्ञानं परमगुह्यं मे यद्विज्ञानसमान्वितं सारहस्यं तदङ्गं च गृहाणगदितं मया यावानहं यथा भावो यद्रूपगुणकर्मकः तथैव तत्त्वविज्ञानमस्तु ते मदनुग्रहात् अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम् पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीत सात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथार्थमहम्। यथा महान्ति भूतानि भूतेषुच्चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञास्यम् तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् यत्स्यात् सर्वत्र सर्वदा। एतन्मतम् समातिष्ठ
परमेण समाधिना भवान् कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति कर्हिचित्। श्री हरिशरणम्। आज का श्रीमद् भागवत का विषय है ब्रह्म तत्व क्या है। नाम रूपात्मक प्रपंच की प्रतीति हो रही है, इसके पूर्व क्या है, प्रतीति में पहले और पीछे क्या होता है, वहां पुरस्तात और पश्चात भी प्रतीति मात्र ही है, आदि और अंत काल वासना वासित जिज्ञासु को बोध कराने के लिए, तब ऐसे कहा जाएगा केवल मैं ही था, दूसरा कुछ नहीं, मैं केवल था ही था, क्रियाशील नहीं, न स्थूल न सूक्ष्म न उनसे विलक्षण। नाम रूपात्मक प्रपंच के न रहने पर मैं ही था, यह प्रतीयमान प्रपंच भी मैं ही था। अधिष्ठान आत्मा के बोध से भावाभाव रूप निखिल दृश्य का बाध हो जाने पर जो सर्वथा अबाध्य अशेष विशेष निषेध अवधि तत्व है वह मैं ही हूं, मैं की परिचिर्णता बाधित है, अपरिचिर्ण अद्वय आत्मरूप अबाधित है, यह वह ज्ञात अज्ञात उसके बोध का द्वार नहीं है। प्रत्यगात्मानुसंधान ही अविद्या निवृत्ति का एकमात्र उपाय है। अब सवाल है माया तत्व क्या है। अपने स्वरूप में जो वस्तु हुए बिना प्रतीत हो रही है वो माया है। इस माया के कारण ही जो नहीं है वो प्रतीत हो रहा है। माया का स्वभाव ही है अपनी अधिकरण में जो न हो उसे दिखाना और वस्तु स्वरूप को आवृत कर देना। दो चंद्रमा कभी नहीं होते हैं, परंतु दो दिखा देना माया है। अब प्रश्न है जगत तत्व क्या है। पंचभूतों के कितने खंड खंड पिंड है, प्राणियों के भिन्न भिन्न शरीर है, सबकी आकृति विकृति प्रकृति संस्कृति पृथक पृथक है, परंतु पंचभूत सब में है। तब क्या इन छोटे बड़े पदार्थों के निर्माण के अनंतर पंचभूतों ने उनमें प्रवेश किया है, वे तो पहले से ही विद्यमान थे, आकृतियां ही घटित हुई है। उपादान नहीं, वस्तुतः सभी आकृतियों का आदि मध्य अंत उपादान ही है, वे अपने कार्य में प्रविष्ट से जान पड़ते हैं, परंतु प्रवेश नहीं है, विद्यमानता ही है। ठीक इसी प्रकार नाम रूपात्मक प्रपंच में परमात्मा रूप उपादान की स्थिति है, वही निमित्त है, वही उपादान है, न निमित्त है न उपादान है, न कार्य कारण भाव है न अनुप्रवेश है। अब सवाल है जिज्ञासु क्या है। आत्म तत्व के जिज्ञासु के लिए केवल इतना ही जिज्ञासा है कि जो वस्तु
अन्वय व्यतिरेक से सर्वदा सर्वत्र सर्व रूप में है वो क्या है? निश्चय ही वह आत्म तत्व के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकते, क्योंकि आत्म तत्व से ही सबकी सिद्धि और प्रसिद्धि है। कुछ न होने पर भी आत्म तत्व का निषेध अथवा बाध नहीं हो सकता, यही वस्तु तत्व है। इस प्रकार इन चार सूत्रों के द्वारा श्रीमद् भागवत के समग्र निरूपणों की व्याख्या की जा सकती है। इसकी व्याख्या के लिए 10 पदार्थ स्वीकार किया गया है। वे हैं पदार्थों की सृष्टि, उनमें विविधता, स्थिति, पुष्टि, कर्म वासनाएं, सद्धर्म, वंश कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। आश्रय तत्व वही परम तत्व है जिसका संकेत पहले किया गया है। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक पुरुष परस्पर सापेक्ष है। आश्रय तत्व निरपेक्ष है। प्राकृतिक पदार्थों में जो भावाभाव है उसका अधिष्ठान वही है और प्रकाशक भी वही है। प्रकाशक होने से चेतन है और अधिष्ठान होने से पूर्ण है। प्रकाशक न होने पर अधिष्ठान कल्पित एवं जड़ हो जाएगा, अधिष्ठान न होने पर चेतन परिच्छिन्न हो जाएगा। अतः अद्वय चित्त वस्तु के आवरण भंग में ही श्रीमद् भागवत का परम तात्पर्य है और इसके लिए श्रवण ही एकमात्र